सो स्टूडेंट हेयर इज़ एग्जाम्पल ऑफ कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन देख सकते हो आप मीन डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं ठीक है जैसे कि देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डेटा इज थ्री फाइव सिक्स सेवन एट टेन एलेवन एंड फोटीन ठीक है ये हमारे क्या है डेटा है एंड इस डेटा से हमें मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है एंड हम मीन डेविएशन कैसे फ़ाइंड आउट करेंगे देखिए एक्स इज थ्री फाइव सिक्स ये हमने डेटा है हमारा ठीक है एंड टोटल नंबर है इसमें एट ये कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट है ठीक एंड जब हम इसका मीन कैलकुलेट करते हैं भाई कैलकुलेटिंग इट्स मी मीन मीन यानी कि एक्स बार एक्स बार हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं इसका तो दैट इज़ मीन इसका क्या आया है सिक्सटी फोर ठीक एक्स सिगमा मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन ठीक है तो uh, इस, सिग्मा एक्स कितना आ गया इन सबका टोटल आ गया सिक्सटी फोर अपॉन एन एन इज़ गिवन एट एन कितना है एट तो एट एट जिक्सटी फोर यानी कि हमारा एक्स बार कितना आ गया सिक्सटी फोर अब हम डेवियशन कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं देखिए थ्री माइनस एट फाइव माइनस एट सिक्स माइनस एट तो हम जब ये अप्लाई करते हैं देन इट बिकम्स माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो टू थ्री सिक्स ठीक है एंड और फिर जब हम उसको एप्सोल्यूट डेविएशन में कन्वर्ट करते हैं यानी कि जब हम उसका माइनस साइन हटा देते हैं इट बिकम्स नॉर्मल ठीक है ये नॉर्मल हो जाता है इसको हम माइनस एंड प्लस साइन को क्या करते हैं हम इसमें इग्नोर कर देते हैं राइट right? तो इसका टोटल जब एब्सोल्यूट डेविएशन बिकम्स ट्वेंटी टू एब्सोल्यूट डेविएशन बिकम्स ट्वेंटी टू यानी कि जो हमारा फॉर्मूला था सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन तो ट्वेंटी टू हमारा आ चुका है एंड वट वी विल डू वी विल डिवाइड दिस ट्वेंटी टू बाई एन एंड बाय थ्री दिस वी कैन फाइंड द मेन डेविएशन ऐसे हम अपना मीन डेविएशन फाइंड आउट कर लेते हैं अगर मीन डेविएशन के अलावा मोड डेविएशन या मीडियम डेविएशन भी आता है देन अगेन वी डू द सेम थिंग फिर से हम वही करते हैं मीन की जगह हम मीडियम फाइंड आउट करते हैं मीडियम की जगह हम मोड फाइंड आउट करते हैं राइट right? सेम तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं आई थिंक यू अंडरस्टूड इट वेल अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों के नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन थर्ड पार्ट ऑफ मेजर्स ऑफ डिसपर्जन इज स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन वॉट इज स्टैंडर्ड डेविएशन Is the कैसे देखिए इसको इट इज सब ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इसे एंड इट इज डिफाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन इट इज द स्क्वायर रूट ठीक वहाँ पे हमने देखिए सिगमा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन किया था यहाँ पर सिर्फ ये चेंज किया है एक्स की जगह वाई लिया हुआ है वाई आई माइनस वाई ठीक है अपॉन एन ठीक है एंड वट वी हैव डन वी हैव हैव फर्स्ट वी डन इट्स इट्स स्क्वायर स्क्वायर एंड देन टेकन रूट हमने सबसे पहले क्या किया स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द यानी कि इसका क्या किया हुआ है स्क्वायर रूट किया है किसका ऑफ द अर्थमैटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन जो हमारे डेविएशन आए थे पिछले आपने न्यूमेरिकल में देखा जो हमारे डेविएशंस आए थे डिफरेंसेस आए थे उसका स्क्वायर किया फिर उसका टोटल किया और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट कर दिया एंड देन इट इज़ डिवाइडेड बाय एन उसके बाद हमने उसे क्या किया एन से डिवाइड कर दिया ठीक है तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं एंड इट इज नो इट इज़ डिनोटेड एज दिस ठीक है no, ये हम सिग्मा से इसे डिनोट करते हैं ठीक है ठीके? इट इज डिनोटेड बाई ग्रीक कलेक्टर सिकमा इट इज ऑल्सो रेफर टू अ रूट मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन यानी कि एज जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था देखिए डेविएशन्स हमने निकाले थे लास्ट क्वेश्चन में ठीक है मीन डेविएशन में वट वी डिड वी कैल वी हैव कैलकुलेटेड द डेविएशन मीन डेविएशन में हमने निकाले थे फाइव अब डेविएशन uh, हमने कैलकुलेट किया था तो वट वी विल डू हम इन डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे फाइव स्क्वायर थ्री स्क्वायर टू स्क्वायर वन स्क्वायर जीरो स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर ठीक है डेविएशन का स्क्वायर किया इसके बाद इसका टोटल कर दिया जो टोटल आएगा दैट विल बी डिवाइडेड बाय एन एंड आफ्टर दैट वी विल टेक इट्स उसके बाद हम क्या कर लेंगे उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और राइट नाउ एट दिस देखिए इस कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोफिशियंट ऑफ द फॉलोइंग डेटा वी हैव दीरीज टेन ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी सिक्स थर्टी थर्टी टू फोर्टी फाइव फिफ्टी एंड फिफ्टी फाइव सो ये हम सीरीज में ले लेंगे वट वी विल डू हम सबसे पहले इसका टोटल करेंगे टोटल करा दैट विल बी एंड दैट टोटल विल बी डिवाइडेड बाई दैट एंड दिस एंड कितने हैं ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है थर्टी विल बी डिवाइडेड थ्री हंड्रेड विल बी डिवाइडेड बाई टेन एंड दैट विल बिकम थर्टी ठीक है आप देख सकते हो पहले हमने क्या निकाला एक्स बार निकाला एक्स बार कैसे आया सिग्मा एक्स अपॉन एन जैसा हमने पिछले मीन में भी किया था मीन uh, डेविएशन निकालने के लिए थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई टेन डेट विल भी ठीक है हमारी x की वैल्यू आ गई सॉरी x बार की वैल्यू आ गई थर्टी अब x माइनस एक्स बार टेन माइनस थर्टी इजिक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी सॉरी टेन ट्वेल्व माइनस थर्टी इजिक्वस टू माइनस एटीन एटीन माइनस थर्टी माइनस ट्वेल्व ट्वेंटी टू माइनस थर्टी माइनस एट ट्वेंटी सिक्स माइनस थर्टी माइनस फोर थर्टी माइनस थर्टी जीरो थर्टी टू माइनस थर्टी टू फर्टी फाइव माइनस थर्टी फिफ्टीन फिफ्टी माइनस थर्टी ट्वेंटी फिफ्टी फाइव माइनस थर्टी ट्वेंटी फाइव ऑल राइट तो अब हम क्या करेंगे बच्चे अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सॉरी स्क्वायर करेंगे ठीक है जैसा कि आपने अभी डेफिनेशन में देखा था कि इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन यानी स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन हम इसका स्क्वायर करेंगे एंड फिर हम इसका टोटल करेंगे ठीक है टोटल करने के बाद वट वी विल डू वी विल पुट इट इन अवर फॉर्मूला अवर फॉर्मूला वॉज सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार uh, ठीक है अपॉन एन ठीक स्क्वायर रूट ठीक है इस फॉर्मूले में हम इसे पुट कर लेंगे और राइट आई आई थिंक यू अंडरस्टूड इट वेल तो सिग्मा हम कैसे निकालेंगे ऐसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे यानी कि टू टू जीरो टू जो हमारी वैल्यू आई है हम पहले इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे ठीक है ये हमने वैल्यू निकाल चुके हैं हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे एंड देन इट विल बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज से हमने जैसे टू टू जीरो टू आ गया था सिग्मा वॉज फोर्टीन पॉइंट एट फोर फोर्टीन पॉइंट एट फोर कैसे आया आपका टू टू जीरो टू का आप क्या कर रहे हो स्क्वायर रूट कर रहे हो ठीक है दैट विल बिकम फोटीन पॉइंट फोर एट फोर एंड अगेन इट इज़ डिवाइडेड बाय थर्टी एंड इट विल बिकम पॉइंट फोर नाइन फोर सिक्स वन मोर थिंग इट इज ऑल्सो देअर दैट इज कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन कोफिशियंट वेरिएशन में हम क्या करते हैं जो हम कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं उसको हम फिर हंड्रेड से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ जाता है कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन राइट वट इज कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन वेन डेविएशन इज मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड इट बिकम्स द कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन अंडरस्टोड आई थिंक यू ऑल हैव दिस सो कम अगेन टू द थियोर पार्ट द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द वेरियंस ठीक है जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं उसको वेरियंस बोलते हैं ज ऑल्सो अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन मेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन लोकेट द मेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायरिंग द डेविएशन एवरकम्स द ड्रॉबैक ऑफ इग्नोरिंग साइंस इन मीन्स डेविएशन ठीक है मीन डेविएशन में जैसे हम माइनस के साइन को इग्नोर करते थे इसमें हमें माइनस के साइन को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस ठीक सेकेंड इज सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ठीक है आगे आगे और भी इसमें आ, और तरीके से सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत जगह पर यूज़ होता है तो इस एक बार अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद हम उससे बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं राइट लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन में जो फ्लक्चुएशन होते हैं उसमें उसका असर इस पर ज़्यादा नहीं पड़ता स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ ज़ीरो इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर कॉन्स्टेंट अगर सारे के सारे ऑब्जर्वेशन एक जैसे ही हैं ठीक है एक बराबर ही हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाता है जीरो Next is independent of change of origin. It has no impact on the from the change of origin and the next is demerits demerits are it is not easy to calculate difficult to understand for layman dependent on the change of scale. Okay. You it is not so easy to calculate and not easy to under, uh, easily understood by the layman. Okay. And uh, it is it also depends on the change of scale. All the three methods depends on the change of scale. OK, class. Thank you so much.